अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। और रात हुई थी बड़ी तेज बारिश, और अब इतनी धूप निकल आई है ना कि जैसे कतरा भी बारिश का नहीं हुआ। तो भी मैं ऊपर आई थी क्योंकि बड़े शौक से ये सब कुछ बनाया था, लेकिन जो कुछ सोच के पाकिस्तान आए थे ना, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ वैसे यूटिलाइज नहीं हो सका। तो अभी बस मैं और जफर ऊपर आए थे कि हम लोग ना जरा हालातों वाकया देखे, लेकिन ना चिक्के लगाने वाला फैसला ना हमारा बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि हर चीज ना बड़ी ही सेफ रही है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना ऐसे ही, वरना तो आपको पता है ना इस साइड से पानी इतना एक दफा आया था, काफी चीजें खराब हो गई थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज हमने कोई, मेरा ख्याल है 8-10 दिन बाद किचन खोला उन्हें, तो लेकिन ना आज किसी चीज पे डस्ट है तो ना कोई और है। अब सोच रहे हैं कि चलो एक दफा सारी चीजें चेक कर रहे हैं। तंदूर की फिक्र थी, तंदूर है बैक साइड पे, लेकिन हम लोगों ने ना एक तो लगवा के चिक्के, और एक फिर ना चूल्हे हम इस तरह से अपने ना कवर कर देते हैं बैग्स के साथ, और ऊपर कुछ रखते हैं कि चलो चीजें ना खराब हो। तो लेकिन सब कुछ ठीक है माशाल्लाह, कुछ भी नहीं माशाल्लाह। और धूप अब ऐसे निकल आई है ना जैसे कुछ था ही नहीं। गर्मी कितनी आज है? आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा ना बारिशें हुई है ना ये 2 दिन से, तो सब लोग ये कह रहे थे कि बस अब सर्दी आई, सर्दी आई, लेकिन वो सर्दी क्या नहीं थी, पहले से भी ज्यादा गर्मी आज बहुत, कल आज ये 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है। बड़े शुक्र है अल्लाह का जी किचन सेफ है, बाकी टेबल वगैरह कुछ गड़बंजी कुछ चीजें जो है ना वो हमने रखी हुई है अंदर। हमारी छत भी सेफ रहती है क्योंकि हमारी छत भी जो है ना ऊपर से पूरी पक्की सीमेंटेड है, नीचे ये सारे काने और ये सब कुछ जो है ना लगा हुआ है। तो आज आप बस आए थे ऊपर, मैंने कहा चलो ये देखते एक किचन गार्डन की सूरत हाल देखने की। लेकिन अब जो हमारा किचन गार्डन है ना उसमें तो ये सारा ख़राब भी हुआ है गर्मी से, लेकिन अब नए जो है ना वो सब्जियां फूल सब आए पड़े हैं, एक आधे दिन में वो नए लग जाएंगे। सिर्फ यहाँ जो पुदीना है ना वो हमारा ठीक रहा है बस, और हमारा सिटिंग एरिया ये माशाल्लाह ठीक है, हमारा झूला शूला ये सब चीज़ें ठीक है। अच्छा एक सिर्फ ये हमारी बेल खराब हुई है धूप से बस, और कुछ भी नहीं, वो भी इसका कलर नहीं खराब हुआ, खैर कुछ फूल और ये पत्ते शत्ते ही उतरे हैं। बाकी हमारे सिटिंग एरिया के पूरा गर्मी का सीजन ना इन चीजों ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये माशाल्लाह ठीक रहेंगे। सिर्फ ये वाली खराब हुई है। हाँ जी, असल में पता क्या बात है, जितनी गर्मी इसका कलर, इसका कलर चेंज हुआ है, इसका ये 3-4 चीजों का और इसका, बाकी सारे सही। असल में जितनी बारिशें हुई है ना और जितनी धूप थी, जैसे वो गल नहीं जाती चीज इनका ये हुआ, लेकिन हमारा किचन माशाल्लाह, किचन की यहाँ से देखो ना कितनी प्यारी लुक आती है। ये भी चूल्हा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि चिक्के लगने से ना और कुछ हमने चीजें कवर की होती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज का कोई नुकसान नहीं होता। ये बेशक अब सालों साल भी रैप करे आके बंद करा देना, तो जब आप खोलेंगे ये ऐसे ही नहीं होगी। घास हमारी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, आप देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह घास जो है ना उसकी शाइन ऐसी है जैसे वहाँ पे वो सारी ना पॉस पड़ी हुई है। तो जी आप सबको जैसे कि पता है कि हमारी आज तैयारी हैप्पी जॉइंट फैमिली की तरफ हमने जाना है, तो बात हो गई थी मेरी भाई और आपी से, तो अभी तैयारी हमने कर ली हुई है, बल्कि हम तैयार थे, लास्ट मंथ थी, लास्ट मंथ जाना था, लेकिन फिर मोहम्मद सुबहान की तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ बारिशें तब बहुत ज़्यादा थी, उनका रास्ता इस किस्म का तो हम नहीं जा सके थे। तो आज हमारी हो गई पक्की तैयारी, तो फिर हमने सोचा था कि आपको बिल्कुल टाइम पे बताएंगे जी कि हम किधर जा रहे हैं। नवाज़ भाई से रात मेरी बात हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा प्लान इकट्ठे था कि हम इकट्ठे जाएँगे, लेकिन मैंने रात नवाज़ भाई को फ़ोन किया था, मैंने कहा आप हमारे साथ चलें, इकट्ठे चलते हैं, लेकिन उनके कई और कमिटमेंट्स थे तो उनका और हमारा प्लान इकट्ठे नहीं बन सका। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हो आए, तो मैं आपके जाने के ना मतलब कुछ दिन बाद मेरा है प्लान, आज उनके कई और कमिटमेंट्स थी, तो वरना नवाज़ भाई और हमने ना इकट्ठे ही जाना था। लेकिन चले अभी जो है, अभी हम हो आते हैं, बाद में वो हो आएंगे जैसे जैसे सबके प्लान्स हो। तो अभी जो है ना किचन को बंद कर लेते हैं, चिक्के वगैरह किचन ही चेक करने के लिए आए थे। ये भी चूल्हा ठीक रहा है, एक बारिश में थोड़ा सा पिघला, लेकिन अब बेहतर है। तो चले जी चलते हैं नीचे, अल्लाह का शुक्र है कोई मसला मसाइल नहीं हुए। चल के आपको जो हमने गिफ्ट्स वगैरह थोड़े बहुत लिए हैं वो भी दिखाते हैं आपको, और हमारे ये फूल देखे कितने प्यारे हो गए, इससे तो किचन गार्डन में ऐसे फूल लग जाते हैं तो ठीक था। हाँ, इनके कलर कितने प्यारे में ज्यादा। हाँ ये शॉकिंग पिंक कितना प्यारा कलर लग रहा है।
तो चलें जी अभी चलते हैं नीचे, यहाँ तो मामला ठीक है और नीचे चल के आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हुई पड़ी है, लेकिन हमने सोचा कि नाश्ता करके ना खुद रेडी होके ना बच्चों को फिर उठाते हैं, तो बस अभी तैयारी वगैरह चल रही थी हमारी। कल का एसी सर्विस कराया हमारा बेचारा, एसी रोने लग गया था, इस सीजन में इतना चला, तो आज इसकी इतनी खबर है वो देखो ऊपर देखे ना, हाँ ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा है, आज बहुत गर्मी है, दो तीन दिन से पता नहीं लग भी ज्यादा नहीं, गर्मी भी बहुत है। तो बस अभी हमारा नाश्ता आ गया, हम लोग नाश्ता करेंगे फिर बच्चों को उठा के रेडी करेंगे, और यह है कि यहाँ से हमें कोई ऑलमोस्ट कोई डेढ़ पौने दो घंटे लगेंगे पहुँचने में, दो घंटे वहाँ रुकेंगे और उसके बाद बस हमारी वापसी, क्योंकि एक तो उनसे हमारी मुलाकात हमने करनी थी, और क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी कहा था पाकिस्तान आए तो आइएगा, कुछ हमें को शौक भी है उनका माटा हाउस देखने का भी, तो यहाँ मैं बस अभी गिफ्ट्स वगैरह पैक करने लगी थी, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम जाना था सब चीज़ें ली हुई थी, फिर मैंने ऐसे ही संभाल दी थी कि चलो जब जाएंगे तो यहाँ ना हम लोगों ने कुछ तो चीज़ें ली हैं, अल्लाह करे अब हमने ले ठीक ली हो, साइजेस हमारे ठीक रहे हो। सबसे पहले तो तारिक भाई का सूट है, ये उनके लिए हम लोगों ने रखा है जी सूट, एक बड़ा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला। उसके बाद जो है ना एक रखी है साल्टा, तो क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वो ना बड़ी बड़ी चादरें लेती हैं कहीं आते जाते हुए, तो उनके लिए ना एक ये बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना हम लोगों ने ना ये चादर ली है, ये बड़ी अच्छी इस दफ़ा हम लोगों ने ली थी, तो वो चादरें बहुत अच्छी निकली हैं, इस तरह की मेरे पास भी एक है, तो फिर उनके लिए हम लोगों ने एक चादर ले ली। उसके बाद ना फजर के लिए ना हम लोगों ने एक ये लिया है सूट, अल्लाह करे अब साइजेस ठीक हो, उम्मीद तो है कि ठीक लिए होने हमने साइज़ ये करके, बड़ा था नहीं बड़ा नहीं है ठीक है, और वैसे भी थोड़ा मोटा स्टफ़ है, इसके स्लीव्स भी अंदर हैं तो ये पहन ना जाएगा, ऐसे कपड़े ना अच्छे लगते हैं बच्चों को पहनने में। हाँ तो साथ इसका ट्राउज़र, तो उम्मीद है साइज़ मैंने ठीक ही लिया उन्हें। उसके बाद जो है ना मोहम्मद सुबहान के लिए ना हम लोगों ने ना एक पैंट शर्ट ले ली, शर्ट है बड़ी हूँ, अब ये साइजेस तो उन पर डिपेंड करता है, बच्चे देखे हुए हैं पिछले साल के, साल साल में बच्चे माशाल्लाह लंबे हो जाते हैं, तो ये उसके लिए हमने शर्ट ले ली है। तो फिर हम लोगों ने जनाब साथ आ गई है उनके लिए मिठाई तो भी है कि बस ये चीज़ें मैं पैक कर लेती हूँ और हम कर लेंगे नाश्ता, और फिर जो है ना हम लोग अपनी करेंगे तैयारी निकलने की, नाश्ता भी कर लें और जल्दी भी कर लें। हाँ जल्दी, हाँ जी जल्दी भी कर लें, तो फिर आपका भी बहुत हो गया हो, हाँ टाइम काफ़ी हो गया वो। गिफ्ट्स हो गए हैं जी यहाँ पे रेडी, और उसके बाद ना जफ़र बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं, आप कर लो नाश्ता, चाय भी पी लो, और अम्मी यहाँ बैठी हैं नाश्ते के इंतज़ार में, इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक है। एसी की ज़्यादा ही हवाएं आने लग गई, एसी की हवाएं इधर बिल्कुल बैठे नहीं जा रहे, और ये बेचारा रोना शुरू हुआ तो हम लोग इसको ना चुप नहीं करवा रहे थे, इसकी सर्विस करवानी चाहिए थी महीना दो महीने पहले जैसे ये चला बेचारा, लेकिन करवा नहीं सके, अभी सोए उठी है तो अभी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस चेंज करना है, तो हिना रेडी होने वाली है, और बच्चे बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि ऐसे ही गाड़ी में बिठा लेते हैं, उनका रास्ते भी चेंज ठीक है, ऊपर सब कुछ ठीक है, चेक कर रहे हैं मैं और जफर, टिक्के लगने से ना माशाल्लाह सारा किचन वगैरह हर चीज बेहतरीन है, कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि जैसे बहुत बारिश हुई, असल में हम लोग भी गाँव थे तो बारिश वारिश ज्यादा हो गई तो देखा भी नहीं, आज मैंने इसे कहा कि जरा देख के, और जी मैं भी मिलना मुझे बहुत शौक था, मैं क्योंकि उधर बैठ के ना वो कहते हैं ना देसी कल्चर वाले ना बड़े शौक से ब्लॉग्स देखती, मुझे साजदा से भी मिलने का बहुत शौक था, और उनका माटा उस भी देखने का शौक था, और मुझे राबिया से भी मिलने का बड़ा शौक है, लेकिन वो दूर बहुत है और गर्मी बहुत ही, एक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है ना, इस वजह से मैं उधर अभी जा नहीं सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि उधर भी ज़रूर जाऊँ और उन्हें भी मिल के जाऊँ, हाँ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह देखिए अब हमारी मुलाकात कैसी रहती है, क्योंकि मैंने मिलना फर्स्ट टाइम, तो अच्छी रहेगी, मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, मुझे वो बहुत नाइस लगती है, और माशाल्लाह से बड़ी सुलझी हुई है और बड़ी मेहनती ये लोग हैं, सारे बहुत एफर्ट करके आगे आए हुए, इन्हें हमें अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी, और मैं थोड़े उनका घर वो खेत वगैरह देखने के लिए मेरी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, जैसे छोटे बच्चों की होती है मेरी ज़्यादा इस चीज़ में, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है,
और मुझे नाश्ता दे दे क्योंकि मैंने मेडिसिन। चले जी आ, इस दफा तो इतने सनब्लॉक लगे हैं ना इधर गर्मी। क्या क्या लगाती है? यकीन करें कुछ देखने वाला नहीं है ये जफर शराब। अच्छा हाँ, मेरे हुसैन ने कोई चीज। अच्छा ये दिखाती है जो जफर, ये जानबूझ के जफर ने कहा, ये हुसैन ने। अच्छा ये जो है ना, अब आप देखें जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना उसके हिस्से देख लें। यहाँ ये हमारा ब्लशन है, उसके हालात देख लें कि दो शेड से टूट गए हुए। और उसके बाद जो है ना, बस मेरा नहीं ख्याल मोस्टली चीज़ों के हालात ना कुछ ऐसे हैं। ये शेड्स टूटे हुए, ये देखें जो ब्रश है उसकी टांग इधर पड़ी है, उसका ऊपर वाला हिस्सा इधर पड़ा है। याम नहीं मेकअप, सानिया मेकअप करती है, याम करती। और आप ये देखें कि अंदर बच्चों ने ना इसको शेड्स को तोड़ तोड़ के ना, तब अंदर से पाउच के हालात देखे। जो करें ना मेकअप एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। हाँ हम लोग करते क्या है, मॉइस्चराइजर लगा के ना, ये हमारे सनब्लॉक है, ये लगा के ना, कोई फाउंडेशन कोई बेस नहीं। अम्मी कभी ये क्रीम यूज करती है, तो बाद में ऊपर ब्लशन लगाया, लिपस्टिक लगाया। हम लोग वैसे भी नहीं करते, अब मेरे घर से दो महीने ढाई महीने वैसे ही कुछ नहीं हुआ, तो बाकी दो ढाई महीने जब हमारा सफर वाले गुजरे वो सैंडविच का पूरा कर। अच्छा ये ना इनके हत्थे कहीं चढ़ा रहा है अंदर, हमें पता नहीं चला क्योंकि मेकअप हमने दो ढाई माह किया नहीं। तब ये ले देख ले हमारे मेकअप बेचारे के हालात जो करने हैं ना। ये जफर बिल्कुल शरारते का। हाँ ये मैं सोच रही थी कि कुछ चीजें नई लेके ना, तो अपना अलग ही कुछ बना ले। हमारे इतने परफ्यूम, खैर बच्चे हैं ना वो सैन बॉटल्स और इन चीजों से खेलते हैं, तो बहरहाल ये काफी चीजें डैमेज हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जफर ने सिर्फ ऐसा शरारत कहा है कि अपना मेकअप दिखाए। तो बहरहाल जी अभी तैयारी हमारी माशाल्लाह से हो गई है, और अभी बस हम लोग ना 15-20 मिनट में ना घर से हम लोग इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मैं भी काट लूँ नाश्ता, अम्मी भी काट ले नाश्ता, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। तो क्योंकि अब हमारी रवानगी, आप तैयार हो कि हम निकल ही जाएं, इतना ही काफी है। तो आपको वहाँ पे मार्ट हाउस दिखाएंगे, दिखाएंगे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है, ये अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में, कल नहीं आज ही मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।